नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आज से आने वाले कुछ दिनों तक आप मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जिनमें एग्जामिनर आपसे गलतियां करा लेता है। आप पढ़कर जाते हैं, फिर भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि आप गलतियां कर बैठते हैं। इन वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि उन गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं और वैसे कौन से बिंदु हैं, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनमें हमसे गलतियां कराई जाती हैं। तो आज हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं वो टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। हम प्रारंभ कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति से। देखिए, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है वो बताया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हमने आर्टिकल 52 से क्यों स्टार्ट किया। तो इसका कारण ये है कि पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उनमें ज्यादातर प्रश्न जो पूछे गए हैं वो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और भारत की संसद, इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से पूछे गए हैं। तो जून टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से हमसे गलतियां कराई जा रही है, हम उसी को समझने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। इसलिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 53 की। अब आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ है? राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित होगी। अब देखिए, राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह करेगा। अगर मैं अब इसे क्वेश्चन बनाता हूं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह उसका प्रयोग कैसे करता है, ऑप्शन आपके पास कुछ एग्जामिनर इस तरीके से बनाता है। सबसे पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री। ठीक, दूसरा ऑप्शन मंत्रिमंडल। थर्ड ऑप्शन मंत्रिपरिषद। इसका आंसर आपको देना है प्रधानमंत्री के सहयोग से, मंत्रिमंडल के सहयोग से, मंत्रिपरिषद के सहयोग से, और फोर्थ है स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से। अब देखिए, हम आर्टिकल 53 देख रहे हैं और आर्टिकल 53 आपने पढ़ा है और उस आर्टिकल 53 के आधार पर क्वेश्चन बन रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित है और वह उसका प्रयोग करेगा प्रधानमंत्री के सहयोग से, मंत्रिमंडल के सहयोग से, मंत्रिपरिषद के सहयोग से, स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा। ठीक, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, काउंसिल और वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए, हम उत्तर देते समय हम ऐसा पढ़ते हैं इन जनरल रूप से कि राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर कार्य करता है। और अगर किसी ने इसी तरीके से पढ़ा है तो वो हो सकता है टिक कहां लगाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में, कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सहयोग से कार्य करता है। पर ऐसा नहीं है। आर्टिकल 53 की भाषा क्या है वह कुछ इस प्रकार है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे अनुच्छेद में जो भाषा है, भारतीय संविधान में जो भाषा लिखी गई है उसके माध्यम से ही पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल 53 की भाषा क्या है, स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से। देखिए, हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है उसी आधार पर राष्ट्रपति कार्य करता है,
पर अगर यह प्रश्न आए और इस तरीके के ऑप्शन हैं, तो आपको ठीक करना पड़ेगा स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। तो ना ही मंत्रिमंडल, ना मंत्रिपरिषद और ना ही प्रधानमंत्री। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए, इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं जो हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। अब देखिए, आपको लगेगा कि योग्यताएं क्या हैं। योग्यताएं बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें क्या अलग कर सकता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट योग्यता जैसे बताई गई है कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए, ये भी ठीक बात है। थर्ड बात, वो क्या होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। और फोर्थ क्या है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं। देखिए, ये चार योग्यताएं बताई गई हैं। अब अगर एग्जामिनर इसमें छोटी से चेंजेस लाना चाहे, अब मान लीजिए वो ऐसा कर दे, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम करेंगे पर उसकी कुछ और मूल बातें जानते हैं। जैसे यहां पर लिख दे कि भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। अब ये चार ऑप्शन है और बोले कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, और आप पढ़ेंगे भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, आपको लगेगा हाँ ये तो लिखा हुआ है नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए, मूल नागरिक होना नहीं लिखा है। साथ ही 35 वर्ष की मिनिमम आयु दिया हुआ है कि कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए। जो अधिकतम आयु के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगर यहां पर एक क्वेश्चन और बना दिया जाए जहां पर कंफ्यूज होते हैं आप लोग, और कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी योग्यताओं का वर्णन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब प्रश्न क्या था, गलत कथन बताना है। अब देखिए, सबसे पहला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है, ठीक, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, थर्ड वह संसद सदस्य होना चाहिए, वह संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, वह संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि लोकसभा सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, चुने जाने के योग्य, ठीक। अब इसमें से आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, अनुच्छेद 58 जो राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में ही बताई गई हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका सही हो गया। भारत का नागरिक, हमने देखा कि भारत का नागरिक उसकी योग्यताओं में है, यह भी सही हो गया। फिर क्या है, लोकसभा सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, ये भी सही स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट क्या है, वह संसद सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट भी हमने सुन रखी है, हमने पढ़ रखी है, और किस प्रकार से पढ़ी हुई है, इस प्रश्न के हिसाब से स्टेटमेंट गलत है, पर आपने पढ़ा किस प्रकार से है। देखिए, योग्यताएं और सेकंड है शर्तें, ठीक। ये राष्ट्रपति की योग्यताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में बताया गया है, और ये कहां बताया गया है, अनुच्छेद 59 में, ठीक। क्या शर्तें, अब शर्तों में योग्यताएं तो आप जानते हैं, चार हमने लिखी, शर्तों में एक शर्त है कि वह संसद सदस्य या विधानमंडल का सदस्य
नहीं होना चाहिए। देखिए शर्तों के अंदर लिखा है, और जब हम पढ़ के जाते हैं ना तो हमको पता रहता है कि हाँ भाई राष्ट्रपति को संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और जब उस तरीके के ऑप्शन हमारे पास आते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमने तो पढ़ा है, अब इनमें से गलत ऑप्शन ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए योग्यताएं अलग चीज है और ये क्या है, शर्तें हैं। योग्यताएं क्या होती हैं, जब कोई उम्मीदवार है, मतलब आप किसी चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं, तब आपकी योग्यताएं हैं। शर्तें क्या हैं, अगर आप राष्ट्रपति क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं तो राष्ट्रपति पद में रहते समय, जब राष्ट्रपति आप बन चुके हैं तब आपको क्या नहीं होना चाहिए, संसद सदस्य या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। शर्तों में दो तीन शर्तें और हैं आपके पास, ये क्या होता है, उसे वेतन और भत्ते मिलेंगे, वेतन भत्ते, और ये वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी किसी प्रकार की जब तक वो अपने पद पर रहेगा, और क्या है इसमें विशेषाधिकार मिलेंगे उसको, इन विशेषाधिकार के बारे में हम आगे बात करेंगे किस प्रकार से विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। पर ये क्या है, कुछ शर्तें हैं, और ये जो हमने चार देखी योग्यताएं थी। और जब योग्यताओं और शर्तों को एक साथ पूछता है तो हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बारीक से अंतर को हमको क्या होगा, समझना होगा, ठीक। और चलिए कुछ आगे देख लेते हैं, कुछ अगले पॉइंट्स क्या है हमारे भारत के राष्ट्रपति में, जहां पर एग्जामिनर हमसे गलतियां कराता है। अब देखिए निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अब आपको लगेगा ये भी सिंपल सी बात है, अब देखिए यहां पर कैसे कंफ्यूज कर सकता है वो। निर्वाचक मंडल, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, दोनों सदनों का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सेकंड कौन होता है, जो हमारे राज्य हैं, राज्य की विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हम बात कर रहे हैं। और थर्ड क्या है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित में जहां पर विधानसभाएं हैं, विधानसभा कहां है, दिल्ली और पुद्दुचेरी, यहां पर क्या है विधानसभा है, और इन विधानसभाओं को भारत के संविधान के 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो यहां के निर्वाचित विधायक जो भी होंगे विधानसभा में, ये क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब ये सिंपल सी बात है, दोनों सदनों के निर्वाचित, यहां भी निर्वाचित हम पढ़ रहे हैं, यहां भी निर्वाचित और यहां भी निर्वाचित सदस्य। अब देखिए कौन शामिल नहीं है ये भी देख लेते हैं हम कुछ पॉइंट के आधार पे। तो जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं, जो भी क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, वे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ये लोकसभा में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए प्रतिनिधि हैं, और राज्यसभा में राज्य के विधायकों के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इस राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के माध्यम से, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। इसके पहले 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के माध्यम से, वे भी भाग नहीं लेंगे, ठीक। और विधानसभा, राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, पर कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, विधान परिषद, विधान
परिषद और इस विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अभी देखिए सिंपल बातें हैं जिन्हें हमने समझ लिया। अब प्रश्न पूछने वाला किस प्रकार से पूछते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब आप इसका उत्तर मेरे को देंगे कमेंट बॉक्स में, गलत कथन। अब ऑप्शन क्या बनता है, फर्स्ट ऑप्शन कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक। सेकंड, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। थर्ड, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, ठीक। और फोर्थ है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है, संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो होते हैं। यहाँ जो अंतर आया है, ये किसका आया है, राज्य विधानमंडल। जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये भी तो हमने अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विधानसभा, और यहाँ हमने क्या लिखा है, राज्य विधानमंडल। अब जब हम राज्य विधानमंडल कहते हैं, लेजिस्लेचर, तो इस लेजिस्लेचर के अंदर हमारा विधानसभा असेंबली भी आ जाती है और काउंसिल भी आ जाती है, दोनों इसमें शामिल हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हमने कहा हमारे राज्य में विधान परिषद नहीं है बट कुछ राज्यों में है। तो जब हम ये कहेंगे राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, तो ये इसके सदस्य निर्वाचित सदस्य भी शामिल हो जाते हैं जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, अपने आप में गलत हो जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे, सिंपल सी कुछ बातें हैं, ठीक। देखिए एक चीज यहां से मेरे को और बतानी है आपको, जो बहुत कॉमन प्रश्न पूछा जाता है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल का अमेंडमेंट किया गया, संविधान का संशोधन किया गया। और संविधान के संशोधन में जो एक टर्म यूज होती है, देखिए संविधान संशोधन होगा तो हम ये कहते हैं कि कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत की जरूरत होती है। अब ये किस प्रकार से होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या के, जो भी संविधान संशोधन होगा है ना, तो वो किस प्रकार से होगा, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। देखिए संविधान संशोधन जब हम करते हैं तो उसमें क्या शर्त है, एक तरीका इसका है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, ये पहली कंडीशन है। और ऐसी चीजें जिसमें भारत के संघीय स्ट्रक्चर को फर्क पड़ता है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले रहा है, संसद के सदस्य भी भाग ले रहे हैं और विधानसभा के सदस्य भी भाग ले रहे हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन से भारत के संघीय ढांचे पर क्या होता है, फर्क पड़ता है, तो ऐसे कंडीशंस में इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाती है, वो जुड़ जाती है आधे राज्यों का समर्थन, आधे
राज्यों का समर्थन। अब यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था यहां से, है ना, यही चीज समझाने के लिए मैं आपको लेके आया हूं कि आधे राज्यों का। हमने देखा है क्लास में जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, नहीं, आधे राज्यों का समर्थन। जैसे अभी मान लीजिए महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल भी केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी उसे लागू किया जाना है, और ऐसी कंडीशन में न केवल उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए, आधे राज्यों का उसको समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और इसमें दो तीन क्वेश्चंस आपके पास ऐसे बनते हैं कि जो आधे राज्य की बात कर रहे हैं इसमें क्या जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभाएं हैं जैसे दिल्ली है, क्या उसको भी शामिल किया जाता है? तो हाँ, उसको भी शामिल किया जाता है, उनको कैलकुलेशन के साथ ही हम आधे राज्य निकालेंगे। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए 28 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, अभी जम्मू कश्मीर को रखते हैं। अगर हम इन 30 पर बात करते हैं तो आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन मतलब 30 में से 15 राज्य अगर सहमत हैं तो वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब 31 है तो कितना लगेगा, 31 में 16 लगेगा, और अगर एक नया राज्य बन गया 32 हो गया राज्य तो भी कितना लगेगा, कितने राज्यों का समर्थन, 16 राज्यों का समर्थन हमें चाहिए, ठीक। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है हमारी उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं, और जरूरी बात क्या है, आधे से अधिक राज्यों का नहीं, आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। और ये समर्थन चाहिए रहता है वो किस नेचर का होता है, वह राज्य विधानसभा के सामान्य बहुमत, अर्थात जो लोग उस दिन उपस्थित हैं उनके आधे से अधिक अगर उसको समर्थन दे देते हैं, उस विधानसभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक नहीं, उस दिन जितने उपस्थित हैं उसमें से आधे से अधिक उसका समर्थन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन यहां का संविधान संशोधन अगर हो रहा है और लोकसभा राज्यसभा में बहुमत चाहिए, कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 चाहिए, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ये जनरल स्टेटमेंट है। मुझे आपको समझाना था कि आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है, ना कि आधे से अधिक, जो आधे से अधिक राज्य कहते हैं और यही टर्म लिख के वो क्या करता है, आपको कंफ्यूज करता है, आपसे गलतियां कराता है। तो ये आप याद रखेंगे कि आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है, ठीक। चलिए कुछ और पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं हम। हमने 3-4 चीजें सीखी, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है, राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, योग्यताएं, हमने शर्तें देख ली, और हमने ये देख लिया कि संविधान संशोधन के में आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन। अगर मैं आपको ऑप्शन इस तरीके से दूं और आप इसका आंसर दें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत पद्धति के तहत होता है, सेकंड ऑप्शन दूं राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है, थर्ड ऑप्शन दूं राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी अनुपातिक गुप्त मतदान के द्वारा होता है, और फोर्थ ऑप्शन दूं एकल संक्रमणी अनुपातिक खुला मतदान पद्धति के अंतर्गत होता है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देंगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और कौन सा, गुप्त मतदान, गुप्त मतदान, एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधि और गुप्त मतदान से होता है, खुला मतदान नहीं होता। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कोई विधायक या सांसद ये दिखा दे कि मैं किसको वोट दिया हुआ हूं तो वो क्या हो जाता है, इनवैलिड वोट्स में चला जाता है। अब देखिए, अब ये एकल संक्रमणी होता क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधि क्या होता है और गुप्त मतदान क्या होता है। एकल संक्रमणी यानी सिंगल ट्रांसफरेबल, इसमें हम क्या करते हैं, वरीयता देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक वरीयता। देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना तो कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म मिलता है, इसमें दो बॉक्स रहते हैं, इसमें क्या करना होता है, इस तरफ
वरीयता देनी पड़ती है कि किस उम्मीदवार, यहां पर आप उम्मीदवार का नाम और यहां पर उसका वरीयता क्रम आपको डालना होता है। जो भी वोट देने जाएगा उसको डालना पड़ेगा कि यहां किसको वन रख रहा है, किसको टू रख रहा है, किसको थ्री रख रहा है। इस तरीके से उसको क्या करना पड़ता है, वरीयता देनी पड़ती है। तो एकल संक्रमणी इसको बोलते हैं वरीयता देना। और ये संक्रमणी होता किस प्रकार से, इसको भी मैं आपको समझाता हूं एक नए पेज के साथ। देखिए एकल संक्रमणी क्या होता है, इस प्रकार से हमने कहा, मान लीजिए तीन लोग चुनाव में खड़े हैं, तीन लोग अगर चुनाव में खड़े हैं, वन टू थ्री, अब एक ने ए को वरीयता दी, इसने बी को दिया और एक ने सी को दिया। ऐसा ए को वरीयता देने वाले 200 लोग हैं, बी को वरीयता देने वाले 150 लोग हैं और सी को अपने पहले प्रेफरेंस में रखने वाले कितने लोग हैं, 140 लोग हैं। अब ए के बाद ये कहा गया कि आपको वरीयता देने वाले हैं जो लोग एक वोट कर रहे हैं, उनसे ये कहा गया कि अगर ए नहीं चुनाव जीत पाता है तो आप चाहेंगे कौन बने, तो वो मान लीजिए चाहता है बी बने और फिर कौन बने, सी बने। बी के लिए भी यही कहा गया, तो उन्होंने कहा ए और बाकी ने कहा सी। और यही चीज किसके लिए कही गई, सी के लिए कही गई, तो ये कहा ए और बी। देखिए तो होगा क्या इस सिंगल ट्रांसफर सिस्टम में, जिसके सबसे कम वोट होंगे उसके वोट, अगर वो जीतने की कंडीशन में नहीं है तो उसके जो सेकेंड प्रेफरेंस होता है वो क्या होता है, जिसको सेकेंड में मिला होता है उसके पास उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी हम इसको ये कहते हैं कि लास्ट वाले के पास जो लास्ट आता है ना, जो लास्ट आता है उसके वोट क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, हस्तांतरित होते हैं, संक्रमणी होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व के कारण। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं कि एक निश्चित कोटा आपको पूरा करना पड़ेगा। और राष्ट्रपति के चुनाव में निश्चित कोटा क्या है, 50% + 1, 50% + 1 ना, एक वोट और 50%, जितने वोट पड़ रहे हैं उसका 50% और उससे एक वोट अधिक आपको पाना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं। और इसी कारण हमने क्या किया, इस एकल संक्रमणी मत पद्धति को अपनाया है। क्योंकि देखिए अगर तीन लोग चार लोग खड़े हो गए किसी चुनाव में, तो कोई एक व्यक्ति 50% से ज्यादा मत कैसे प्राप्त कर सकता है, तो इस तरीके से ट्रांसफर होकर ही क्या हो सकता है, वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस सिस्टम को एकल संक्रमणी रखा गया है, ठीक। और ये कोटा जो होगा ये क्या होगा, जो उस दिन मत पड़ेंगे और कुल वैध मत होंगे, उस वैध मत का 50% + 1 वोट होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणी का मतलब वरीयता आपको देंगे और लास्ट वाले को ट्रांसफर होता रहेगा, जो लास्ट आता जाएगा हर राउंड में वो क्या होता जाएंगे, उसके वोट ट्रांसफर होते जाएंगे। भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें, राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए हैं उनमें केवल एक बार 1969 में वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के मध्य जो चुनाव हुआ था उसमें ही सेकेंड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी थी, मतलब इस तरीके से ट्रांसफर करना पड़ा था। नहीं तो भारत के राष्ट्रपति एक बार में ही जिन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे यहां पर अगर प्रेफरेंस में सीधा ए को 300 वोट मिल गए होते तो राष्ट्रपति बन जाता, वो जीत जाता। तो इस तरीके से क्योंकि 50% से अधिक तो इसके पास पहली बार में ही इसको मिल चुका है, तो भारत में अब तक राष्ट्रपति ऐसे ही बने केवल एक बार को छोड़ के, जब 1969 में वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के मध्य इलेक्शन हुआ था। और इसी चुनाव में, देखिए वीवी गिरी के ही चुनाव में, इसी चुनाव में जो विवाद की स्थिति भी पैदा हुई थी, और यह विवाद कहां गया था, उच्चतम न्यायालय। तो आप याद रखेंगे यह बात भी कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसे उच्चतम न्यायालय सॉल्व करेगा। तो यहां से दो चार बातें जो हम सीख रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान से होता है, यानी कि आप इसको खुला मतदान नहीं कर सकते, इस पे अगर किसी ने दिखा दिया अपना वोट किसको दिया है तो ये रद्द हो जाएगा। अब यहां इतने फोकस क्यों कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि कौन सा मतदान होता है जो खुला मतदान भी होता है, ठीक।
एक चीज और यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी चाहिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें व्हिप जारी नहीं होती। अब आप कहेंगे ये व्हिप क्या है? व्हिप जारी नहीं होती। देखिए, अगर संसद में कोई विधेयक आ रहा है और कोई पार्टी चाहती है कि ये बिल पास हो, तो वो अपने सदस्यों के बीच में एक व्हिप जारी करती है कि आपको इसके पक्ष में वोट करना है, और जो पार्टी चाहती है कि बिल पास ना हो वो व्हिप जारी करती है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, आप इसके अपोज में वोट करोगे। यानी व्हिप क्या है? पार्टी का आदेश है। पार्टी का क्या है? आदेश है, जिसके सभी सदस्यों को मानना होता है। और अगर वो नहीं मानते हैं तो भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में जो दल बदल का कानून है ये माना जाता है दल बदल। तो अगर किसी व्यक्ति ने पार्टी की व्हिप नहीं मानी तो ये माना जाएगा कि उसने क्या कर दिया है, अपना दल बदल लिया है, और इस कारण से उसको उसके पद से हटाया भी जा सकता है। 10th शेड्यूल में हमने दल बदल निरोधी कानून पढ़ा है जो 1985 में हमारे साथ आता है। लेकिन ये जो व्हिप जारी करने का बात है, ये विधेयकों के संबंध में, किसी निर्णय के संबंध में, बजट के संबंध में हो सकता है, बट राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में ये नहीं जारी किया जा सकता। यानी कि जिसकी जो इच्छा होगी, जिसको वोट देना चाहेंगे वो क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। यहां पर व्हिप जारी नहीं की जा सकती है। तो राष्ट्रपति का प्रक्रिया अगर आप देखेंगे, एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधि से होता है, इसमें एक निश्चित कोटे की जरूरत होती है, और एक बार विवाद हुआ है वीवी गिरी के चुनाव के समय, और वो मामला कहां गया है? सुप्रीम कोर्ट गया है। चुनाव आयोग के पास ये मामला नहीं जाता, कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है। देखिए, प्रश्न पूछना ऐसे पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव हुए, अगर उसमें कोई विवाद हुआ तो विवाद का निपटारा कौन करेगा? राष्ट्रपति, संसद करेगी, विधानसभा करेगी, चुनाव आयोग करेगा कि उच्चतम न्यायालय करेगा? हमको लगता है कि चुनाव है तो चुनाव कौन करा रहा है? चुनाव आयोग करा रहा है। तो चुनाव आयोग ही वादों का निपटारा करेगा? नहीं, कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है, और उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है। ये नहीं कि उच्च न्यायालय में नहीं जाएगा, ये सीधा कहां जाएगा? उच्चतम न्यायालय ही जाएगा। तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आप देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावक कितने लगते हैं? 50, और अनुमोदक कितने? 50। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं? ये प्रश्न बहुत सिंपल तरीके से पूछा जाता है और कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक में जो प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे वो कौन होंगे। पहला ऑप्शन, भारत के नागरिक। सेकंड, भारत के मतदाता। भारत में मतदाता सूची में से कोई मतदाता। थर्ड ऑप्शन, केवल संसद सदस्य। अब फोर्थ ऑप्शन दे देता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य। अब देखिए, तो ये 50 प्रस्तावक राष्ट्रपति के निर्वाचन में लगते हैं, और कोई उम्मीदवार अगर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने वाला है तो कितने लोग जरूरत पड़ेगी? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की। अब ये 100 लोग कौन होते हैं? भारत के नागरिक होते हैं, भारत के मतदाता सूची में से कोई मतदाता होता है, केवल संसद सदस्य होते हैं, या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य हो सकता है। तो ये लग सकता है कि केवल संसद सदस्य होते हो? नहीं, देखो ना, भारत के नागरिक, केवल जो अगर भारत का नागरिक हो ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मतदाता सूची में जिसका नाम है वो भी नहीं कर सकता। केवल संसद सदस्य नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो भी हैं, कौन कौन थे? संसद के सदस्य निर्वाचित सदस्य थे, राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य थे, और विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य, और उनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी क्या हो सकता है? ये प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है। और जो किसी एक व्यक्ति का प्रस्तावक और अनुमोदक बनेगा
वो किसी दूसरे व्यक्ति का प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं बनेगा। 50 अलग प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, और एक बार अगर किसी एक के लिए वो प्रस्तावक और अनुमोदक बन चुके हैं तो किसी दूसरे के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं बनेंगे। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का जो भी सदस्य है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है। अब लास्ट बात आज की वीडियो की कर रहा हूं मैं, और इसमें बहुत सी बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा कराया जाता है। देखिए, और अगर वह 1/6 मत नहीं प्राप्त करता तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। ठीक। अब समान रूप, तो ये जो 1/6 मत है वो किसका 1/6 है? सामान्य रूप से जैसे कि हम कहें कि एक पार्षद है, पार्षद चुनाव में अगर कोई मतदाता 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो वो मत कौन से होते हैं? वो होते हैं वैध मत। वैध मत, अगर एक उम्मीदवार डाले गए वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ये हमने पढ़ा पार्षद चुनाव में, विधायक के चुनाव में, सांसद के चुनाव में, इस प्रकार से होता है। अब यही चीज हम कहां पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रपति के। और प्रश्न आया हुआ है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। और पहले आपको बताना है तो कुल डाले गए मतों का 1/6, कुल डाले गए मतों का 1/6 नहीं पाएगा तब जमानत जब्त हो जाएगी, या सेकंड कुल वैध मतों का जो कि हम बाकी सब चुनाव में देखते हैं, दूसरा निश्चित कोटे का, निश्चित कोटा जो 50%+1 था ना उसकी बात हो रही है यहां, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक। देखिए, जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित सबसे प्रसिद्ध किताब है और आप सब पढ़ते हैं, उस बुक में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार तो आंसर ये होना चाहिए कि कुल डाले गए मतों का 1/6 अगर कोई प्राप्त नहीं कर पाता तो क्या हो जाएगा, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी राष्ट्रपति के चुनाव में। कुल डाले गए मतों का लिखा गया है वहां पे, जो भारतीय संविधान की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। हम जनरल रूप से जानते हैं कि किसी भी चुनाव में जितने वैध मत पड़ते हैं, वैध मतों का 1/6 क्या होता है, जमानत राशि होती है। अगर वैध मतों का 1/6 से अधिक कोई प्राप्त लेता है तो इसके माने जमानत जब्त नहीं होती, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है, निश्चित कोटे का, निश्चित कोटे का ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इसका आंसर लिया गया है, निश्चित कोटे का अगर वो 50% से अधिक प्लस वन का जो होता है उसका 1/6 अगर प्राप्त नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में क्या होती है, उसकी जमानत राशि जब्त होती है। इसका मतलब अगर किसी चुनाव में 20,000 मतदाता थे, 20,000 मतदाताओं ने, मतदाताओं में से 18,000 वैध मत पड़े, कुछ उपस्थित नहीं थे और कुछ के वैध अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड घोषित कर दिए गए, इसका 50% कितना हो जाएगा, 9,000+1, इसका 1/6 की बात वो करता है कि अगर कोई उम्मीदवार नहीं पाता है तो क्या हो जाएगा, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। मैंने आपको तीनों चीजें इसमें बताई हैं जो आपके सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसमें लिखा गया है, कुल डाले गए मतों का आपको लोकल किसी प्रकाशन की बुक में, और जो भी एक जनरल नॉलेज है उसमें कहा यह जाएगा। आप भी जान, अगर इस प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट देते तो यही देते, कुल वैध मतों का 1/6, बट जो आंसर लिया गया है वो भी दो दो बार एग्जाम में आया हुआ है और इसका आंसर यही लिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव में निश्चित वैध मत का 1/6, तो आंसर क्या लिया गया है, ये लिया गया है। तो इसको एक बार आप और देखिएगा अच्छे से और समझिएगा, और इसी तरीके के जो फैक्ट होंगे,
जो चीजें हमको एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं, हमसे गलतियां कराई जाती हैं, उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक्स को लेके हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। हमारी वीडियो प्रतिदिन आपको सुबह 8 बजे प्राप्त होंगे। धन्यवाद।